हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करते हैं जागरूक। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि रेलवे ने कैलेंडर दिया है जो कि जनवरी में जो है सो एएलपी का देगा, अप्रैल में जो है सो टेक्नीशियन और टेक्निकल का देगा, और जो है सो अक्टूबर में जो है सो ग्रुप डी का देगा। दूसरा ये मुद्दा है कि जो है सो आरपीएफ और जो कि आरआरबी जेई का वैकेंसी के बारे में बात नहीं किया गया है, तो उससे क्या संशय बना हुआ है उस पर भी बात करेंगे। और जो है सो रेलवे एएलपी में जो कि कटअप के बारे में है, कटअप के बारे में बात करेंगे। तो न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का रिलेटेड जो होता है अपडेट होता है आपको देते रहते हैं। और जो है सो किसी तरह का पेपर धांधली हो या लीक हो तो उसमें सच्चाई जो होता है आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं और एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तीन पॉइंट को लेकर के चल रहे हैं, तीनों पॉइंट को आप देखिएगा तभी समझ में आएगा। तीसरा पॉइंट में बताएंगे कि जो है सो कटअप कितना जाएगा, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारा जो नोटिफिकेशन दिया गया है उस पर सरकार खरे उतरेगी कि नहीं उतरेगी, या तो जुमला बता देगी इलेक्शन के बाद। आप सबको बस अब जो है सो उम्मीद भी करना होगा और जो है सो विश्वास ही करना होगा कि जो है सो सरकार इस पर उतरेगी। बहुत ही सीरियसली बोल रही है रेलवे मंत्रालय ने कि ये जो है सो इसके अनुसार से हर साल वैकेंसी को निकलेगा। तो आप सब जो है सो तैयारी कर रहे हैं, अगर इस तरह से सिस्टम सही में बनती है तो आप सब अगर लगातार तैयारी करेंगे तो जो है सो एएलपी में नहीं होगा तो जो है सो टेक्नीशियन में होगा, टेक्नीशियन में नहीं होगा तो ग्रुप डी में हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है सो लगातार ऑप्शन दिया जा रहा है, तो आप सब मेहनत करिएगा तो हो जाएगा। और अगले साल फिर इसी तरह से प्रोसेस होगा, तो अगर इस साल नहीं होता है तो हो सकता है कि अगले साल हो जाए। लेकिन बात यह होती है कि क्या अगले इलेक्शन के बाद ये प्रोसेस पर लागू होगा या नहीं होगा, यही बस ये सारे एसडीएम को जो है सो दहला रहा है और जो कि डर बना रहा है। तो आप सब जो है सो अभी जो है सो तैयारी कीजिए, कोई और उपाय नहीं है। और इस पर एक और बात करना चाहते हैं कि अभी बोले थे कि जो है सो आरआरबी जेई और आरपीएफ का जो है सो किसी तरह का बात नहीं किया गया है, क्या इस पे वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, संशय बन गया है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में है, जो तैयारी कर रहे हैं वो सारे भी कंफ्यूजन में है, तैयारी करें कि नहीं करें। आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि जो है सो टेक्नीशियन के साथ साथ टेक्निकल जोड़ा है, तो आप सबको बस इतना नोटिफिकेशन दिया गया है उसी में हो सकता है कि जैसे अप्रैल में बात किया जा रहा था, तो हो सकता है आरआरबी जेई का जो है सो अप्रैल में दिया जाए। तो आप जितना भी डिप्लोमा धारी हैं, तैयारी करते हैं, तो आरआरबी जेई का तैयारी कीजिए। अगर सरकार बन जाती है तो उसके बाद क्या होगी उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आपका बस अब यही कर्तव्य बनता है कि जो है सो आप तैयारी कीजिए, अप्रैल का इंतजार कीजिए। तो आगे जो है सो बात करने जा रहे हैं कि कटअप कितना जाएगा एएलपी का। सारे स्टूडेंट का बहुत ही कंफ्यूजन है कि जो है सो एएलपी का कटअप कितना जाएगा, किस लेवल का हम तैयारी करें, कोई ऑप्शन ही नहीं पता चल रहा है। मात्र और मात्र जो है 5,000 वैकेंसी आया है और जो है 70 लाख फॉर्म जाएगा, तो हमें नौकरी कैसे, क्या तैयारी करें, कितना कटअप लेकर के चले जो है सो नौकरी हो जाए, पहला एग्जाम CET 1 में क्वालिफाई हो जाए। तो आप सबसे बताना चाहते हैं स्टूडेंट कि जो है सो इस तरह का कंपटीशन है, इस कंपटीशन में पहला तो आपको ये बताना चाहते हैं कि उनका रिजल्ट ज्यादा होने वाला है जो बस रन करके चलाएंगे। बहुत सारे ऐसे इनका होता है कि गलती भी ऐसे भी मार करके चले जाते हैं, ऑप्शन भी चले जाते हैं, तो उनको कभी कभी सुनने में आता है कि जो है सो ऐसे ही मार के आ गया, उनको सही हो गया। तो इन लोग को रिजल्ट जो है सो इन्हीं लोग जो है सो कटअप लेकर के ज्यादा जाएंगे। आप सब स्टूडेंट सही बोल रहे हैं कि 50-55 के आसपास कटअप जाना चाहिए, लेकिन ये जो जनसंख्या बढ़ गई है इससे जो है सो कटअप जो है सो बहुत ऊपर जाने वाली है। अगर आपको रिजल्ट लेना है, एकदम कंफर्म लेना है, तो आपको जो है सो 65 के प्लस अगर रखते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो आप सब इसी तरह से जो है सो एग्जाम रिव्यू में हमेशा आपको अपडेट करते रहते हैं, किसी तरह का पेपर लीक होता है, किसी तरह का धांधली होता है, तो उससे रिलेटेड लेकर के सच्चाई जो होता है उसको आपके सामने लाते हैं। अंदर की बातें जो होती है जो स्टूडेंट को पता नहीं चलता है, जो सेटिंग करते हैं उनको पता होता है, तो आप तक कहीं ना कहीं लाने की कोशिश करते हैं। और एक और वादा करते हैं कि अगर पेपर लीक हो और सामने आती है तो कहीं ना कहीं जो है सो क्वेश्चन को एग्जाम से पहले अगर आती है पेपर, तो आपको कमेंट में ले आएंगे, जिससे हो सकता है कि आपको भी मिल जाए, आप भी जाकर के मार सके। और अगर इस पेपर को कैंसिल कराने की बात होगा तो इसमें प्रूफ भी देने की काम करेंगे जो कि आयोग का होगा। आयोग ने सिर्फ यही कहता है कि जो प्रूफ दिखाइए कहा पेपर लिख हुआ है, तो उनको प्रूफ भी देने का काम करेंगे। न्यू स्टूडेंट आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। बोल रहे थे कि जो है रेलवे आयोग ने कैलेंडर जारी की है, तो कैलेंडर जारी की है तो उस पर कितना खरे उतरेगी या तो फिर जुमला बता देगी, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। या तो हो सकता है खरे उतरती है तो उस पर स्टूडेंट चलेंगे, तो किन्हीं का कुछ लोग को मतलब हानि हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं जो मेहनत करते हैं उनका हो जाएगा। तो क्या जो इलेक्शन के बाद जुमला होगा, तो जुमला बता देगी तो इलेक्शन के बाद जो है सो जुमला हो जाएगा, तो स्टूडेंट इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इस पर एक और मांग हुआ कि 9 तारीख को जो है लोकसभा में आवाज उठा है
और रेलवे के रिलेटेड जो है सो जितना भी वैकेंसी पर जो है सो ज्वाइनिंग कराया गया है, कितना ज्वाइनिंग जो है सो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर किया गया है और कितना वैकेंसी खाली है उसका अपडेट मांगा गया है, तो जो है सो कहीं ना कहीं वहां पर भी क्लियर होगा कि कितना वैकेंसी खाली है और कितना मतलब कि खाली और कितना पर वैकेंसी ले लिया गया है। तो वहां से भी अभी एक आशा आ रही है कि हो सकता है कि अगर वहां दिखाया जाए कि वैकेंसी 2.5 लाख बोला जा रहा था पहले, तो कहने की अगर 2.5 लाख का वहां अपडेट देते हैं तो फिर भी वैकेंसी बढ़ने की उम्मीद है। तो अभी जो बात करने जा रहे थे कि रेलवे जेई और आरपीएफ का जो वैकेंसी है उस पर किसी तरह का बात नहीं किया गया है। तो रेलवे जेई के बारे में बात करें तो रेलवे जेई का होगा टेक्निकल लिखा गया, टेक्निशियन प्लस टेक्निकल कहा गया है। तो टेक्निकल में कहीं ना कहीं जो है सो रेलवे जेई आती है, तो हो सकता है रेलवे जेई जो है सो अप्रैल में आ सकती है। जिसमें स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है सो मेहनत कीजिए, आपको जो है सो वैकेंसी आने वाली है। फिर भी अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होता है कि जो है सो क्या चुनाव के बाद देगी कि नहीं देगी, तो आप जो है सो उम्मीद ही कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी जितना भी डिप्लोमाधारी है तैयारी कीजिए और जो है सो वैकेंसी आने वाली है, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल पाएगा। आरपीएफ के बारे में बात करें तो आरपीएफ का जो है सो क्या कहा जाता है, कुछ कंफ्यूजन समझ में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है इसी के साथ दे दे, क्योंकि जब रेलवे सारा वैकेंसी का देगा तो इसमें ही देगा। तो जितना स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ का, तो सारे स्टूडेंट तैयारी करते रहिए, कहीं ना कहीं वैकेंसी कभी भी आ सकती है अगर अपना बातों पर खरा उतरती है रेलवे मंत्रालय तब। तो और एक और पॉइंट पर बात कर रहे थे कि जो है सो कट ऑफ कितना जाएगा, रेलवे एएलपी का कट ऑफ कितना जाएगा, तो उसके बारे में बता दें स्टूडेंट की जो है सो बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, 5,000 वैकेंसी है, उसमें 70 लाख फॉर्म भरेंगे, तो इस पर जो है सो उन्हीं का रिजल्ट होगा। जो बहुत सारे आप सुने होंगे कि बस एबीसीडी रंग करके चलाएं या तो ये किसी तरह से रंग करके चलाएं, तो वो लोग जो होते हैं सो कटअप को बहुत ऊपर लेकर के चले जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट का संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ईरर ही लोग जो है सो कटअप को बढ़ा सकते हैं। तो जो बहुत सारे ईरर लोग ही जो है सो कटअप को बढ़ा सकते हैं। तो आप कितना तैयारी करें उसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप स्टूडेंट जो है सो तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपका जो कि अपना क्लियरेंस होना चाहिए कि 65+ आ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट हो जाना चाहिए। और जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि 50-55, तो वो स्टूडेंट से एकदम कंफर्म रही कि आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। 75 में कम से कम 65 के आसपास अगर आपका आ रहा है तब चांसेज है कि हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। और ये भी अब डरना नहीं है, आपको ये भी बता रहे हैं कि डरना नहीं, हो सकता है कि अगला साल फिर वैकेंसी आएगी, तो आपको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। तो तैयारी करते रहिए, अभी भी टाइम है। तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद न्यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही धन्यवाद। न्यू स्टूडेंट आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से जो होता है कि आपको रिव्यू देते हैं जो कि सच्चाई, जो कि जब दरोगा में दिया गया था मेरे द्वारा रिव्यू, वो भी कहीं ना कहीं एकदम कंफर्म हो गया है कि उतना तक आया है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये सोच है उसके अनुसार से कटअप जो है सो 65 का जो बोला गया है लगभग जो है सो हो सकता है। तो आप सब तैयारी कीजिए और जो है सो न्यू स्टूडेंट होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बता दें कि जो है सो पेपर लीक या धांधली की बात होती है तो कहीं ना कहीं जो कि सच्चाई होता है, जो डिटेल्स होता है आपको देते हैं और जो है सो आपको अपडेट कराते हैं और आंदोलन में हमेशा शामिल रहते हैं कि पेपर जो है अगर लीक होती है तो कैंसिल कराया जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।